क्वेश्चंस आंसर्स देखने की कोशिश करेंगे। और ये कोर्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसका पर्पज़ क्या है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है अबाउट रिचर साहब से संबंधित क्वेश्चन है। कार्ल रिचर हम लोग नाम सुनते आए हैं इनका ज्योग्राफी में, और एक अप्रोच है जिससे संबंधित ये क्वेश्चन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिचर्ड, देखो रिचर्ड साहब के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही जाती है कि ही वॉज वेरी रिलीजियस, ठीक है। ये बहुत ही रिलीजियस थे और इन्हीं के साथ ही एक ज्योग्राफर थे जिनके बारे में कहा जाता है वो बहुत ज़्यादा प्रेगमेटिक थे। आपको पता है रिचर्ड और एक इनके साथी हैं जिनका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, बट आई एम प्रीटी श्योर आपको उनका नाम जरूर पता होगा, ठीक है। मैं नाम बस इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि आप अपना दिमाग दौड़ाएं और एक बार मिड 19th सेंचुरी में जाएं तो रिचर्ड के साहब वो नाम हमेशा आता है। तो इनके जो साथी थे वो काफी प्रेगमेटिक थे और जो रिचर्ड साहब थे वो काफी ज्यादा क्या थे, रिलीजियस थे, काफी ज्यादा धार्मिक थे। तो जो चीजों को साइंस के द्वारा साइंटिफिकली जिन चीजों को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था, ऐसी चीजों के लिए रिचर्ड साहब एक शब्द का प्रयोग कर सकते थे, ठीक है, जिसको कहा जाता था टीलियोलॉजी। क्या कहा जाता था? टीलियोलॉजी। अब ये टीलियोलॉजी ऐसा नहीं है कि रिचर्ड पहली बार इसको यूज कर रहे हैं, इससे पहले ये शब्द जो है अरिस्टोटल साहब ने भी यूज किया था। फिलोसॉफी के अंतर्गत ये शब्द काफी ज्यादा यूज होता है, इसका मतलब होता है बिहेवियर, गुड बैड ना, ऐसे ऐसे जब चीजें हो जाती हैं, कोई चीजें कॉस्मिक या मोरालिटी से कोई चीज जब जुड़ने लगती है तो उसको टीलियोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, जिस चीज को साइंटिफिकली नहीं बताया जा सकता उसके लिए रिचर्ड ने कौन सा शब्द कहा, टीलियोलॉजी की, ठीक, कि ये इसका आंसर कैसे दिया जा सकता है, थ्रू टीलियोलॉजी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कैस्पियन सी वॉज एन इनलैंड सी। हम लोग आज देखते हैं मैप के अंतर्गत तो हमें कैस्पियन सी कैसा सी दिखाई पड़ता है, एक इनलैंड सी। इनलैंड सी का मतलब चारों तरफ से क्या होगा, लैंड से घिरा होगा। ये किसने कहा, ये कहा था हेरोडोटस ने। ये हेरोडोटस कौन है, हेरोडोटस इज आल्सो कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। हम लोग इनके बारे में बहुत पढ़ चुके हैं, हेरोडोटस के बारे में। आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो, अधिकारी की या दीक्षित साहब की किताब या माजिद सर की किताब, ठीक है, या फिर कोई फॉरेन ऑथर्स की भी किताब पढ़ रहे हो तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी। अगला क्वेश्चन है जेनोम। जेनोम एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है, आपको पता है, ठीक है। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका काम होता है मेजरमेंट करना। ये क्या मेजरमेंट करता है, पोजीशन ऑफ सन को मेजरमेंट करता है, उसकी डायरेक्शन को, शैडो के का इसमें जो उसकी जो शैडो पड़ती है उसका प्रयोग किया जाता है। और इसको बनाया किसने था, डिसाइपल ऑफ थेल्स ने इसको बनाया था। अब ये आपको हिंट दिया गया है, ठीक है, आइडेंटिफाई हिम फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो ये फोटो भी उनकी दी गई है, ये डिसाइपल किसके हैं, थेल्स के हैं। इन्होंने बनाया क्या है, जिनोम। अब इनका नाम क्या है, इनका नाम है एनेक्सिमेंडर, राइट, यू आर राइट, हिज नेम इज एनेक्सिमेंडर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ही वॉज लाइबेरियन एज एलेक्जेंड्रिया। तो कोई नई बात नहीं है, एलेक्जेंड्रिया के अंतर्गत कई सारे लोग, कई सारे ज्योग्राफर समय समय पर लाइबेरियन रहे हैं। तो पहले सेंटेंस या स्टेटमेंट से हम सही ऑप्शन नहीं बता सकते, बट जो सेकेंड ऑप्शन है वो क्रक्स है। ही इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट साइंटिफिक ज्योग्राफर्स। ये दुनिया के ऐसे पहले साइंटिफिक ज्योग्राफर्स हैं, या ही इज द फर्स्ट साइंटिफिक ज्योग्राफर्स एंड ही ट्राइड टू मेजर द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ। देखो सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ भी कई लोगों ने मेजर करने की कोशिश की है, लेकिन सभी को फर्स्ट साइंटिफिक ज्योग्राफर्स नहीं कहा जाता है, केवल और केवल एरिस्टोनीस को ही कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन, ठीक है, एरिस्टोनीस जो है, प्रोनाउंसिएशन आप अपने स्तर से देख लेना, ठीक है, उनको ही कहा जाता है द फर्स्ट साइंटिफिक ज्योग्राफर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिक्चर ये है, इन्हीं साहब के बारे में कुछ चीजें ऊपर लिखी गई है कि इन्होंने रॉन्ग सर्कमफेरेंस अर्थ की मापी। अर्थ की कैसी सर्कमफेरेंस मापी, रॉन्ग, ठीक है, लेकिन जो इनके फॉलोअर्स थे उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, वाइडली एक्सेप्टेड। लेकिन वहीं पर ये कहते हैं कि जो इक्वेटोरियल रीजन है, जो इक्वेटोरियल रीजन है यहां पर हैबिटेट है, क्या है, हैबिटेट, बट ये बात उनके फॉलोअर जो है नहीं मानते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसे फिलोसफर थे, एक ऐसे ज्योग्राफर थे जिन्होंने जो सत्य कहा उसको हमेशा असत्य माना गया, लोगों ने दरकिनार कर दिया, और जो झूठ कही उसको लोग एक्सेप्ट किए। तो इनके जीवन की अलग ही कहानी है। ही इज पोसिडोनस, ठीक है, पोसिडोनियस, ठीक है, पोसिडोनियस जैसा भी आप चाहें, पोसिडोनस, ठीक है, हिज दिस दे इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि ही इज द फर्स्ट पर्सन टू डिक्लेयर ज्योग्राफी एज अ क्रोनोलॉजिकल साइंस। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ज्योग्राफी को क्या कहा कि ज्योग्राफी क्या है, क्रोनोलॉजिकल साइंस है। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हों जिनको फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी कहा जाता है।
हिज नॉलेज इज फॉर हिज जनरल ट्रिटाइज, ठीक है, इन्होंने जनरल ट्रिटाइज भी लिखा है इन्हें, एंड हिज मोनूमेंटल वर्क इज ऑल्सो नोन एज जोग्राफिया, इन्होंने जोग्राफिया नामक पुस्तक भी लिखी है विच इज मोनूमेंटल, वो अपने आप में अद्वितीय है। तो ये भाई साहब कौन है, ही इज द ग्रेट फिलोसफर स्ट्रैबो, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स नॉट टू मेंशन ग्रेट ज्योग्राफर एज वेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हिज बेस्ट नोन वर्क इज द सेंटैक्सिस, सेंटैक्सिस इन्होंने एक किताब लिखी, ही हैज आल्सो रिटन ज्योग्राफी, इन्होंने ज्योग्राफी ही लिख दी, ठीक है, इनकी किताब का ही नाम है ज्योग्राफी, किताब कहना सही नहीं होगा, पहले जो लोग होते थे उनकी ट्रिटाइज होती थी या वो कोई पे लेक्चर देते थे तो उन्हीं को बाद में कंपाइल कर लिया जाता था, ठीक है। तो इन्होंने ज्योग्राफी लिखा, द ऑप्टिक्स एंड द ट्राबिब्लोस, ठीक है, ही आल्सो प्लॉटेड द बे ऑफ बंगाल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इनके बारे में आपको बताना है ये कौन है, जिन्होंने बे ऑफ बंगाल को पहली बार प्लॉट किया, जिन्होंने सेंटैक्सिस लिखी, जिन्होंने द जियोग्राफिया लिखा है, हु इज दिस, दिस मैन इज द ग्रेट टॉलमी, द ग्रेट टॉलमी फिलोसफर कम ज्योग्राफर टॉलमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन द डेवलपमेंट ऑफ पैरेलल्स एंड मेरिडियंस, इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है किसमें, पैरल्स जो होते हैं और मेरिडियंस जो होते हैं उनके कंट्रीब्यूशन में, ही मेड अ मार्क डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ कार्टोग्राफी, ठीक है, इन्होंने कार्टोग्राफी में भी बहुत योगदान दिया है। यहाँ से भी हम आंसर नहीं कर पाएंगे कौन है ये, क्योंकि कार्टोग्राफी में तो कई लोगों ने योगदान दिया है। अगला चीज क्या है कि इन्होंने पूरे पूरे सर्किल को पहली बार 360 डिग्री में डिवाइड किया, ही इज द फर्स्ट टू डिवाइड सर्किल इन टू 360 डिग्री, ठीक है, ही आल्सो इन्वेंटेड एन इंस्ट्रूमेंट नेम एज एस्ट्रोलैब, ठीक है, और ये इनको अपॉइंट किया गया था लाइबेरियन एलेक्जेंड्रिया में आफ्टर द डेथ ऑफ एरिस्टोटल, ठीक है। तो ये कौन है, ही इज हिपार्कस, ठीक है, हिपार्कस के बारे में आपको याद रखना, इन्होंने 360 में सर्किल को डिवाइड किया था 360 में, एंड देन इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिसका नाम है एस्ट्रोलैब, ठीक है, ही इज हिपार्कस। अगला चीज देखते हैं कि देखो ये क्वेश्चन अब फिर मॉडर्न से आ गया, यही क्वेश्चन करते हैं उसके बाद में यहाँ पे हम लोग पॉज लेंगे, कि डिटर्मिनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट बिलीव इन द फिजिकल इन्वायरमेंट कंट्रोल ह्यूमन कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, ये क्या है, असर्सन है, मतलब जो डिटर्मिनिस्टिक स्कूल है वो किस में विश्वास करता है, जो नेचर है, जो मदर नेचर है वो ह्यूमन के कोर्स को डिसाइड करती है, उनको आदेश देती है कि देखो तुम ये पालन करो, नहीं तो तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हारी सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी, तुम खतरे में आ जाओगे, ठीक है। तो असर्सन ये हो गया। अब रीजन क्या है कि द मैन इज कंसिडर्ड एज पैसिव एजेंट इन दिस स्कूल ऑफ थॉट, मतलब ये जो आपके बारे में जो दोनों असर्सन रीजन दिया गया है ये किसके बारे में दिया गया है, डिटर्मिनिज्म के बारे में, ठीक है। अब डिटर्मिनिज्म में पहली बात जो कही गई कि जो इन्वायरमेंट है वो सुप्रीम है, सही बात है, और मैन क्या है, वो पैसिव एजेंट है, ठीक है, इसीलिए इसको इन्वायरमेंट सुप्रीम हुआ, तो दोनों बात तो सही हुई ना, इसलिए ऑप्शन वन इज राइट, ठीक है, बोथ असर्सन एंड रीजन इज करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, स्टे blessed.